है माय नेम इज अमता इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि डेली रूटीन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्किन जो है स्मूथ और ग्लो फ्लोलेस लगे और आपका जो नेचुरल जो ग्लो है वो मेंटेन रहे और आपका जो पीएच बैलेंस है स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहे उसके लिए क्या करना चाहिए बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मेरे से पूछते हैं कि भाई वो ऐसा क्या करे डेली रूटीन में जिसको जिससे कि उनको फेशियल या क्लीनअप की जरूरत ना पड़े और उनकी जो स्किन सूखी सी एकदम ड्राई लगती है डिहाइड्रेट लगती है वो कैसे दूर हो उसके लिए क्या करना चाहिए आज मैं वही बताने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो हर कोई कर सकता है घर बैठे हुए बस आपको करना कुछ नहीं है रात को सोने से पहले 20 मिनट पहले आपको अच्छे से अपने स्किन को फेस आ, जो है वॉश करना है वॉश करने के बाद जैसे मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ या टोनर या रोज़ वाटर अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप टोनर भी यूज़ कर सकती हैं आपको टोनर यूज़ करना है मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ले रही हूँ ये डाबर का रोज़ वाटर है और मैं अपना फेस जो है क्लीन कर चुकी हूँ और ये बाउल में मैंने रोज़ वाटर निकाला है इसको अपने एक बाउल में रोज़ वाटर निकाला फिर पूरे फेस पे इसको डैपिंग मोशन में ऐसे लगाना है डैप करके लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आपको ये सोने से 20 मिनट पहले ये सब करना है अब आप सोचेंगे होंगे सोने से 20 मिनट पहले ही क्यों 20 या 25 मिनट पहले लेकिन सोने से ये नहीं कि आप 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले कर रहे हो क्योंकि उसका करने से कोई बेनिफिट नहीं है जो भी जितना कुछ भी आपने किया है वो आपके पिलों में ही रह जाएगा और आपकी स्किन पर नहीं जाएगा इसलिए 20 से 25 मिनट भी पहले कर सकते हो आप ऐसी कोई बात नहीं है कि 20 मिनट ही करना है लेकिन जल्दी नहीं होना चाहिए कि आप सोने जा रहे हो तब आप ये सब कर रहे हो अच्छे से फेस वॉश कर लिया जैसे मैं कर चुकी थी ऑलरेडी उसके बाद ये डैपिंग करके रोज़ वाटर लगाना है अगर आपको रोज़ वाटर नहीं सूट करता तो आप इसकी जगह टोनर यूज़ कर सकते अपने स्किन के अकॉर्डिंग अब मैं दो तीन मिनट वेट करूँगी ताकि ये जो रोज़ वाटर है मेरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए ऑब्ज़र्व होने के बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी ये बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है अगर आपकी स्किन आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें कि आपकी स्किन का अगर ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग उस यूज़ उस करें ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ उस करें एक्ने हैं तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ उस करें एक्ने है तो आपको जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए जो ऑयल फ्री हो अभी मैं तीन से दो से तीन मिनट वेट करूँगी अच्छे से ये पेनिट्रेट ऑब्जर्व हो जाएगा जब मेरी स्किन में तो मैं ये मॉइस्चराइजर लगाऊंगी ये करना बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको ये डेली रूटीन में करना है सोने से पहले अगर आप ऐसा करती हैं एक तो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहेगा दूसरा जो है आपके स्किन में नेचुरल ग्लो रहेगा स्किन में शाइन आएगी और डे बाय डे आपकी स्किन जो है एकदम क्लियर हो जाएगी इवन लगेगी और फ्लॉलेस लगेगा ये बस आपको डेली करना है और बहुत ही इजी है करना अच्छे से फेस वॉश किया अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आप फेस वॉश यूज़ करती हैं जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ यूज़ करना है उसके बाद रोज वाटर या टोनर लगाया फिर वेट करेंगे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से ऑब्ज़र्व होने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र करना अपने स्किन को अब ये तीन मिनट हो चुका है और अच्छे से जो रोज़ वाटर है मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो चुकी है अब मैं ये सीटाफिल यूज़ करूँगी कभी भी हाथ में मॉइस्चराइज़र या क्रीम लेके रब ना करें क्योंकि आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो हाथ में ही रह जाता है अच्छे से फिंगर से पूरे फेस पे लगा लें इस तरह से पहले लगाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा मसाज कर ले अगर आपकी एज जो है थर्टी है या थर्टी से अव है तो आप अपने रिंकल की क्रीम यूज़ करना शुरू करें जिससे कि आपको जो फाइन लाइन से आपकी स्किन में ना आए और फिर उसे मसाज करते टाइम इस तरह से मसाज करें जिससे कि आपकी स्किन टाइट हो जाए इससे स्किन जो है लिफ्टिंग हो जाती है और फाइ ये जो लाफिंग लाइन है वहाँ पे ऐसे मसाज करें ताकि ये जो लाफिंग लाइन है यहाँ पे ना आए थर्टी फाइव के बाद लाफिंग लाइन जो है दिखना शुरू हो जाती है इस तरह से आप अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें अच्छे से और जो है जब 10 मिनट हो जाए 10 से 15 मिनट हो जाए तब जाके आप सो जाए जिससे कि अब जब हम सोते हैं तो हमारे स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है और जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छे से काम करता है इससे जो है हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है अगर ये चीज़ आप डेली रूटीन में करती हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जो स्किन है शीशे की तरह चमकने लगेगी और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के लिए बस इतना ही आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को लाइक करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय